मेरा नाम है रैन। आज की वीडियो में तीन सुपर कार्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ। यहाँ पर ये दो सुपर कार्स मैंने कल ही खरीदी है। ये दोस्तों ब्लैक बीस्ट लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। मैं पहली बार कोई सुपर कार के ऊपर बूस्टर लगा हुआ देख रहा हूँ। देख सकते हो इसके ऊपर इतना ज्यादा बड़ा वाला बूस्टर लगा हुआ है। दूसरी वाली कार है लैम्बोर्गिनी की तरफ से आने वाली हुरकन। यहाँ पे देख सकते हो ये है अपनी BMW i8। तो आज की वीडियो में तीनों के बीच में एकदम तगड़ी वाली फाइट होने वाली है। चलो गाइस सबसे पहले इन दोनों को अनबॉक्स करते हैं हम लोग। इन दोनों कार्स में से एक कार जो है बहुत ही ज्यादा महंगी है, ये वाली कार जो है बहुत ही ज्यादा सस्ती है। इसका प्राइस है 1800 रुपीज। अगर आप इन दोनों को ही खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को एक बैग दिखाई देगा। बैग के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे गाइस दोनों का बाय लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अमेजोन का बाय लिंक दे रखा है, वहां से अगर आप चाहे तो दोनों ही सुपर आरसी कार्स को खरीद भी सकते हो। सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर को। बॉक्स इस तरह का मिल जाता है। बॉक्स जो है गाइस पूरी तरीके से पिच दिया है भाई कुरियर वालों ने। देख सकते हो ऑरेंज कलर की कार भी जो है काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है फोटो के अंदर। मैं आपको बताता हूँ गाइस मैंने इसको ब्लैक कलर में क्यों खरीदा। तो मेरे पास ज्यादा ब्लैक कलर की कार्स थे नहीं गाइस, सिर्फ मेरे पास BMW i8 थी। तो उससे थोड़ा सा इसको फाइट कराने के लिए मैंने ब्लैक कलर में ही इसको खरीदा है। ये देखो गाइस क्या ही चमचम आ रही है। ओ माई गॉड, ये भाई साहब क्या कलर दिया गया यार। देख सकते हो पूरी की पूरी चमचमा रही है अपनी कार। माय गॉड इतनी ज्यादा चमचमाती हुई ब्लैक कलर की कार मैं पहली बार देख रहा हूँ। बैटरी जो है हम लोग इसके अंदर बहुत बड़ी भी लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर बूस्टर है, बूस्टर के अंदर वाटर डालना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पर है इसका वाटर इनलेट। सामने की तरफ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शार्प डिजाइन है। ऊपर की तरफ भी देखो यार क्या डिजाइन दे रखा है भाई साहब, मजा आ गया ये कार देखकर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका रिमोट। ये रहा इसका रिमोट। ये इस तरह का कमाल का रिमोट मैंने आज तक कोई भी कार के अंदर नहीं देखा है। ऐसा लग रहा है कि कोई वीडियो गेम का रिमोट कंट्रोलर है। यहाँ पर दो जॉयस्टिक्स मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ दो ट्रिगर्स मिल जाते हैं। अच्छा तो यहाँ पर भी बटन्स दे रखे हैं, ये बटन्स नहीं है, ये सिर्फ डिजाइन इस तरह का दिया हुआ है। तो बैटरी वगैरह भी मैं इसकी दिखा देता हूँ। ये रही इसकी बैटरी। बैटरी बहुत ही ज्यादा छोटी दे रखी है गाइस इन लोगों ने। यहाँ पे देख सकते हो ये है 3.7 वोल्ट 500 mAh की बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर है और वाटर डालने के लिए एक छोटा सा कंटेनर भी दे रखा है। अनबॉक्स करते हैं लैम्बोर्गिनी हुरकन को। डुअल टोन कलर में मिल जाती है ये कार। इसके अंदर यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम दिया हुआ है, देख सकते हो इंडक्शन ओपन द डोर्स बोलकर कुछ लिखा है। पता नहीं गाइस ये पहली बार देख रहा हूं मैं आरसी कार के अंदर इंडक्शन डोर ओपन क्या है ये। तो फटाफट से चलो बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं आखिर ये चीज है क्या इंडक्शन। तो ये कार को मैंने यहां से निकाल लिया है। कार की क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है। कार का साइज भी मीडियम साइज है, ज्यादा बड़ी है नहीं कार, ज्यादा छोटी है नहीं। यहाँ पे इसका नाम वगैरह लिखा है, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर में मिल जाती है ये कार। सामने की तरफ यहाँ पर फिंगरप्रिंट जैसा कुछ दिया हुआ है। मेरे को लग रहा है कि इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो इसके जो डोर्स है ऑटोमेटिक तरीके से ओपन हो जाएंगे। और ये पीछे का जो इंजन बे है ये भी जो है ऑटोमेटिक तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके अंदर भी हम लोग चाहे तो बहुत बड़ी बैटरी लगा सकते हैं। सामने के व्हील्स पीछे के व्हील्स बिल्कुल सेम टू सेम साइज के। इसका रिमोट 27 मेगाहर्ट्ज का मिल जाता है। दो यहाँ पर जॉयस्टिक्स है, बीच में एक बटन दिया हुआ है इसके डोर्स ओपन और क्लोज करने के लिए। यहाँ पर मैंने तीनों सुपर कार्स को भी रख दिया है तो है ना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैंने ऑन भी कर रखा है। अगर मैं रिमोट में बटन दबाता हूँ तो देख सकते हो इसके डोर्स इस तरह से ओपन हो रहे हैं, पर इंजन पे बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है। ये भी शायद इस तरह से ओपन होना चाहिए जब हम रिमोट के अंदर बटन दबाते हैं। तो दोस्तों भी चलते हैं बाहर, कराते हैं तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज की रेस में कौन सी सुपर कार जीती है। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले टच करते हैं लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर को। ये ऊपर का जो ट्रिगर है इसको हम लोग जैसे ही प्रेस करते हैं इसके अंदर अलग अलग तरह की म्यूजिक आने लगती है। और रियल कार के अंदर जिस तरह की साउंड आती है वो साउंड भी इस कार के अंदर दी गई है। यहाँ पे एक और ट्रिगर है, इसको हम लोग जैसे ही प्रेस करते हैं अंदर की LED लाइट्स ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक और बटन है, इसको हम लोग जैसे ही प्रेस करते हैं देख सकते हो इसका जो बूस्टर है ऑन हो जाता है। रंग बिरंगी LED लाइट्स भी दी गई है। अभी कार को नीचे रखकर टच करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कार की परफॉर्मेंस किस तरह की दी गई है। यहाँ पे मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि कार और रिमोट के बीच में थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है क्योंकि रिमोट के अंदर जो बटन है थोड़े से हार्ड दिए हुए हैं, बाकी कार की कंट्रोलिंग ठीक ठाक मेरे को लगी। टेस्ट करते हैं लैम्बोर्गिनी हुरकन को, ये किस तरह से काम करती है रोड पर। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था गाइस ये इतनी सस्ती कार इतना परफेक्ट तरीके से काम करेगी। कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी दी गई है, रिमोट बहुत ही सुपर रेस्पॉन्सिव है। अभी टेस्ट करते हैं BMW i8 को रिमोट के अंदर अलग डेडिकेटेड बटन
बटन मिल जाता है डोर्स को ओपन और क्लोज करने के लिए। अभी इसको नीचे टेस्ट भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ये एक ऑफिशियल लाइसेंसड कार होने के कारण बहुत ही स्मूथ तरीके से चलती है, बहुत ही कम शोर भी मचाती है दूसरी कार्स के मुकाबले में, और इसकी कंट्रोलिंग भी देखो गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दोनों कार्स के मुकाबले में मेरे को इसकी कंट्रोलिंग बहुत ही अच्छी लगी। अभी कराने वाला हूं मैं रेस इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं गाइस कौन है सुपर फास्ट आरसी कार। यहां पे रेस स्टार्ट हो चुकी है, बीएमडब्ल्यू शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुकी है यहां पर, लैम्बोर्गिनी पूरी कोशिश कर रही है। अभी मैंने इसका बूस्टर ऑन कर दिया, बूस्टर ऑन करके इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर तक जा चुकी थी, वापस इसका बूस्टर अचानक से ऑफ भी हो चुका है। अभी भी देखो ये काफी अच्छी तरीके से स्पीड मेंटेन की हुई। ओ माय गॉड, इसके सामने एक छोटा सा पत्थर आ चुका था इस वजह से ये थोड़ा सा क्रॉस जा चुकी थी, वापस से इसने अपने आप को संभाल लिया। यहां पे बीएमडब्ल्यू पूरी कोशिश कर रही है, एंटेडोर ने अपना बूस्टर ऑन कर लिया है और ये रेस को क्लियरली जीत चुकी है। अभी मैं रेस कराने वाला हूँ इन दोनों के बीच में, देखते हैं हुराकन जीतेगी या फिर एवेंटाडोर। एवेंटाडोर ने तो बीएमडब्ल्यू को काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया था, देखते हैं ये हुराकन को भी हरा पाती है, यानी हुराकन की टॉप स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा मेरे को लग रही है। इस बार एवेंटाडोर ने ऑन कर दिया अपना बूस्टर, और बूस्टर जैसे ही मैंने ऑन किया इसने क्रॉस कर दिया हुराकन को बहुत ही आसानी से। ओ माय गॉड, हुराकन की टॉप स्पीड एवेंटाडोर से भी ज्यादा मेरे को लग रही है। इसका बूस्टर बंद चालू जब से हुए जा रहा है गाइस, क्लियरली यहां पर हुराकन जीत चुकी है इस रेस को। अभी मैं आपको लुक्स के बारे में बताऊं तो हुराकन का कलर जो है बहुत ही ज्यादा फंकी दिया हुआ है, साइड प्रोफाइल कार का बहुत ही ज्यादा ऑसम है, व्हील्स की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, पर ये जो कार है ना यार पीछे की तरफ से उतनी खास दिखाई नहीं देती है। जहां तक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर की बात करूं, सामने बोनट के ऊपर इसका डिजाइन देखो क्या ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे कर्व वगैरह दिए हुए, हेडलाइट भी इसकी बहुत ही ब्राइट लग रही है, व्हील्स की बात तो क्या ही बताऊंगा इस बहुत ही ऑसम है, और इसका बूस्टर इस कार के ऊपर 4 चांद लगा देता है, बहुत ज्यादा ऑसम, बहुत ज्यादा धांसू दिखाई देती है। BMW i8 का तो क्या ही कहना, ये एक सुपर प्रीमियम ओरिजिनल लाइसेंस्ड आरसी कार है। इस कार के अंदर सबसे खूबसूरत चीज मेरे को लगती है इसके व्हील्स और इसके डोर्स। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको तीनों में से कौन सी कार का डिजाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर। अभी कराते हैं पुश बैक इन दोनों लैम्बोर्गिनीज के बीच में, देखते हैं कौन सी लैम्बोर्गिनी है सबसे ज्यादा पावरफुल। कर ठीक ठाक तरीके से हुई नहीं, मेरे को लगा कि दोनों के हेडलाइट टूट चुके हैं पर टूटे नहीं गाइस। सेकंड राउंड यहां पे होने वाला है, इस बार टक्कर एकदम परफेक्ट तरीके से दोनों के बीच में हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेलने में यहां पर लगे हुए। मेरे को लग रहा है गाइस एवेंटाडोर हुराकन से काफी ज्यादा पावरफुल है, देख सकते हो इसने अपना बूस्टर भी ऑन नहीं किया है फिर भी बहुत ही ज्यादा जोरदार तरीके से ये हुराकन को पीछे ढकले जा रही है, स्लाइड करके पीछे की तरफ चले जा रही है। क्लियरली यहां पर एवेंटाडोर जीत चुकी है। अभी तो को वॉर कराते हैं इन दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं गाइस बीएमडब्ल्यू जीतेगी या फिर लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। एवेंटाडोर का यहां पर बूस्टर भी मैंने ऑन कर दिया, दोनों कार्स एक दूसरे को खींचने में लगी हुई है। क्लियरली यहां पर बीएमडब्ल्यू एवेंटाडोर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है कि इसका बूस्टर ऑन करने के बावजूद भी देखो गाइस बीएमडब्ल्यू ने एवेंटाडोर को काफी ज्यादा आसानी से हरा के रख दिया है। अभी यहाँ पर तीनों कार्स की मैं लाइट टेस्ट करने वाला हूँ, तीनों की हेडलाइट प्रॉपर तरीके से काम करती है। हुराकन की लाइट थोड़ी सी मेरे को लो लग रही है, एवेंटाडोर की लाइट्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अभी देखते हैं बीएमडब्ल्यू की लाइट, इसकी लाइट्स तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम ब्लू कलर की लाइट इसके अंदर दी गई है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको तीनों में से किसकी लाइट बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रही है और आपको तीनों में से कौन सी कार पसंद आई। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है तनत, साफी, विवेक, सृजनदीप, कृष्णा, अर्थ प्रसाद, दक्ष, अजय, मनोहर, मंदीप। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।